किंग खान ने बाप होने का फर्ज निभाया, बेटी सुहाना खान की मनपसंद खिलाड़ी को केकेआर में लाया, अपनी बर्बादी का तमाशा देखती रह गई नीता अंबानी। अब रिंकू सिंह अपने बड़े भाई के साथ मिलकर केकेआर में मचाएंगे तबाही, हिल जाएगा इंटरनेट का पूरा पारा, कांप जाएगा छक्का मापने का थर्मामीटर। जैसे ही यादव शेर सूर्या की हुई केकेआर में वापसी, खुशी से पागल हो गई बॉलीवुड की यह खूबसूरत हसीना। सुहाना खान के साथ मिलकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों को देती है फ्लाइंग किक्स। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की लाडली बिटिया पिछले 6 सालों से जिस खिलाड़ी को अपनी टीम केकेआर की तरफ से खेलते हुए देखना चाहती थी, अब वही खिलाड़ी आईपीएल 2025 में केकेआर की तरफ से तबाही मचाते हुए नजर आएगा। इस खिलाड़ी को केकेआर की टीम में लाने के लिए सुहाना खान काफ़ी सालों से अपने पिता शाहरुख खान से जिद कर रही थी, और शाहरुख खान ने भी एक बाप होने का फर्ज निभाया है और बेटी सुहाना खान की मनपसंद खिलाड़ी को केकेआर में लाया है, जिसके बाद पूरे क्रिकेट के गलियारों में हर तरफ शाहरुख खान के तारीफों के ही चर्चे किए जा रहे हैं। हर किसी का यही मानना है कि पूरे आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों में शाहरुख खान से अच्छा फ्रेंचाइजी का मालिक कोई भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शाहरुख खान को क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। अक्सर शाहरुख खान अपनी केकेआर का मैच देखने के लिए स्टेडियम तक जाते हैं अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, और शाहरुख खान के साथ साथ बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना अनन्या पांडे और शाहरुख खान की लाडली बिटिया सुहाना खान भी मौजूद होती है स्टेडियम पर। इस दौरान शाहरुख खान की लाडली बिटिया सुहाना खान और खूबसूरत हसीना अनन्या पांडे अपने फ्लाइंग किक से दर्शकों का खूब मनोरंजन भी करती हुई नजर आती हैं। अनन्या पांडे भी क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब है। अनन्या पांडे अक्सर केकेआर की टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम तक जाती हैं। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2023 में एक मैच हुआ था, उस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने काफ़ी तबाही मचाई थी। मैच खत्म होने के बाद शाहरुख खान की लाडली बिटिया सुहाना खान से एक पत्रकार ने पूछा था कि आप किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी। इसका जवाब देते हुए सुहाना खान बोली थी कि हम सूर्यकुमार यादव की घर वापसी करवाना चाहते हैं, क्योंकि सूर्यकुमार यादव को मैं सबसे अच्छा बल्लेबाज मानती हूँ। जिस अंदाज में सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करते हैं, जिस अंदाज में सूर्यकुमार यादव मैदान के चारों तरफ जमकर छक्के चौकों की बारिश करते हैं, वह अंदाज हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब सुहाना खान की मनपसंद खिलाड़ी का केकेआर के टीम में वापसी होने जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आईपीएल 2018 से पहले सूर्यकुमार यादव आईपीएल में केकेआर की टीम का ही हिस्सा हुआ करते थे। उस समय सूर्यकुमार यादव काफ़ी निचले क्रम में बल्लेबाजी किया करते थे, वहीं से सूर्यकुमार यादव काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। उसके बाद साल 2018 से लेकर साल 2024 तक सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मगर आईपीएल 2025 में सूर्यकुमार यादव आप लोगों को केकेआर की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि सूर्यकुमार यादव को बहुत बड़ा सम्मान देते हुए शाहरुख खान आईपीएल 2025 में सूर्यकुमार यादव को केकेआर की कप्तानी का भी जिम्मेदारी सौंपेंगे, और सूर्यकुमार यादव और सूर्यकुमार यादव के छोटे भाई रिंकू सिंह अब एक ही टीम केकेआर की तरफ से तबाही मचाते हुए नजर आएंगे। जब दोनों भाइयों का बल्ला एक साथ गरजेगा तो आईपीएल की सभी टीमों के गेंदबाज थरथर कांपते हुए नजर आएंगे।